दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि आपको अपने घर पर कितने माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाना है जिससे आपका बिजली का बिल कम हो जाए, इसके लिए हमने पूरा चार्ट बनाया था कि आपको अपने घर के लोड के अनुसार कितने माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। उस वीडियो पर आपके कमेंट आ रहे थे कि हमें कैपेसिटर को कहाँ लगाना है या इसका कनेक्शन कैसे करना है जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाए। तो आज की वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं, इसीलिए हमने एनर्जी मीटर के कनेक्शन को बिल्कुल सिंपल तरीके से किया है जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप अब भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ पर हेल्पफुल और नॉलेजेबल कंटेंट हमेशा मिलते रहेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो वायर कनेक्ट हैं, रेड और ब्लैक। ये यहाँ पर एनर्जी मीटर पर इनपुट में कनेक्ट हैं, और ये जो सप्लाई आ रही है वो यहाँ से, देखिए आप, यहाँ से आ रही है और ये केबल की सहायता से यहाँ तक आ रही है। और ये जो बाहर हमारा जो भी पोल होगा इलेक्ट्रिसिटी वाला, वहाँ पोल से सप्लाई आ रही है हमारे डायरेक्ट एनर्जी मीटर में, और यहाँ पर एक कनेक्ट हो रही है। इसके बाद यहाँ से रेड और ब्लैक दो वायर निकल रहे हैं, ये हमारी आउटपुट सप्लाई निकलेगी एनर्जी मीटर के, और जो कनेक्ट हो जाती है, जो भी हमारा घर होता है उसके अंदर जो भी हमारा MCU बॉक्स लगा रहता है, मेन फ्यूज स्विच लगा रहता है, वहाँ पर ये कनेक्ट हो जाती है। तो इसके लिए देखना, हमने MCU को भी लगा रखा है जिससे आपको अच्छे से समझा पाएँ। तो हमारा जो एनर्जी मीटर है, वहाँ से जो दो वायर आ रहे हैं वो MCU में यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, न्यूट्रल और फेस। इसके बाद MCU से आउटपुट सप्लाई निकल के जो भी हमारे घर में बोर्ड लगा होता है, स्विच बोर्ड, जितने भी आपके बोर्ड लगे होंगे वहाँ पर सप्लाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे जो आउटपुट से सप्लाई यहाँ तक पहुँच रही है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमें कैपेसिटर को कहाँ लगाना है, क्या हमें कैपेसिटर को एनर्जी मीटर के इनपुट में लगाना है या आउटपुट में लगाना है। तो हम आपको बता दें कि आपको कैपेसिटर को एनर्जी मीटर में बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगर आप कैपेसिटर को एनर्जी मीटर के पास लगाएंगे या एनर्जी मीटर के साथ छेड़खानी करेंगे तो आपको यहाँ पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो आपको मीटर के साथ छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, और जो आपको कैपेसिटर लगाना है, आपके मीटर से जो आउटपुट में जो दो वायर जा रहे होंगे वो आपके MCU के पास जहाँ भी कनेक्ट हो रहे होंगे आप उसको वहाँ लगा सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपके कैपेसिटर में दो वायर होंगे तो यहाँ पर ये एनर्जी मीटर से दो वायर आ रहे हैं MCU पर, तो या तो आप जो कैपेसिटर है वो एनर्जी मीटर से जो आउटपुट आ रही है आपके MCU में, आपको वहाँ पर कनेक्ट कर देना है, या आप जो MCU है उसके आउटपुट में दो वायर निकल रहे हैं वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादातर कोशिश करें कि जो आपकी MCU है उसके आउटपुट में कनेक्ट करें। इससे क्या होगा कि अगर बाय चांस कभी भी कैपेसिटर ख़राब होता है या शॉर्ट होता है तो उससे आपकी जो MCU है उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, MCU आपकी ट्रिप हो जाएगी। कैपेसिटर कितने साइज़ का लगाना है, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा, उसमें हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है इसकी कैलकुलेशन को कैसे करना है। आप उसमें कैलकुलेशन करना सीख सकते हैं और आपके अपने लोड के हिसाब से उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो हमने वहाँ पर एक ग्राफ भी बनाया है, चार्ट बनाया है, आप उसमें देखकर भी अपने लोड के हिसाब से कैपेसिटर को चुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की किसी और वीडियो में।